हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, बोलना नहीं चाहिए लेकिन गटर वुड सभी को पता है, इसके बहुत सारे डार्क साइड्स हैं और आउटसाइडर्स जो बाहर से आते हैं एक नया नाम हासिल करने के लिए इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, खास करके यंगस्टर जो आते हैं, बाहर के टैलेंट्स आते हैं, उनके साथ इतना आसान नहीं होता आगे बढ़ना। जी हाँ, भले ही आपका नाम जितना ऊँचा हो जाए और आपकी पॉपुलैरिटी चाहे जितनी बढ़ जाए, आसान नहीं है। जी हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जो पेड ट्रोलर्स हायर करते हैं और उन आउटसाइडर्स को नीचा गिराने की साजिशें करते रहते हैं। 2021 का एक केस आपको याद ही होगा, क्या हुआ था? वेल, ऐसे में शहनाज, सभी को पता है आउटसाइडर है, उनका कोई गॉडफादर नहीं, कहने को लोग कुछ भी बातें बना लें, सलमान का हाथ है, ये है, वो है और ऐसा है वैसा है। जी नहीं, शहनाज यहाँ पे पहुँची हैं, अपनी मेहनत से पहुँची हैं, किसी की कहते हैं ना कि एक दी गई जो रहम और करम, वो नहीं है शहनाज के साथ, वो खुद पहुंची है इस जगह पे और अब उनके साथ भी हो रहा है, कुछ पेड चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, उनको उनकी जो फेम है उसको गिराने की। कभी वो मेल एक्टर के मिलती हैं या किसी पार्टी में जाती हैं तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पे उन्हें जज किया जाता है। ये मैंने बहुत पहले ही कहा था सिद्धार्थ के जाने के बाद, शहनाज के लिए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं, लेकिन शहनाज एक शेरनी है, वो आगे बढ़ेगी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे में एक बड़े रिपोर्टर ने खुद ये बात बोला है कि सिनेमा का एक बहुत ही डार्क सच है कि यहाँ पे हाई प्रोफाइल जो पीपल होते हैं वो पेड जो है हायर करते हैं और किस तरीके से आउटसाइडर्स के प्रोजेक्ट्स को डाउन करने के लिए। और ऐसा रूबीना द लाइक का एक, उनके हस्बैंड का एक इंटरव्यू आया है, उन्होंने भी इस चीज़ को शेयर किया है कि उनके पास बहुत घटिया घटिया तरीके की ट्रोलिंग हुई है उनके साथ भी। क्यों? क्योंकि रूबीना द लाइक जो अभिनव शुक्ला है वो भी आउटसाइडर है। क्योंकि क्या है ना कि इस तरीके की निगेटिविटी फैलेगी तो बहुत से लोगों को सच लगेगा कि इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया, इतना बड़ा आर्टिकल आया तो सच ही होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इसके पीछे पेड होता है। जी हाँ, और ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन हो सके और उन्हें काम मिलना बंद हो जाए। और ऐसे में शहनाज गिल तो भाई डे बाई डे तरक्की बेइंतहा कर रही हैं और उम्मीद करेंगे वो और भी ज़्यादा करें, बस जो उनका फैंडम है उन्हें इकट्ठे रहना है, यूनिटी बना के रखना है। और सिद्धार्थ शुक्ला, उन्होंने भी गाइस ये बात बोली थी कि कितने घटिया घटिया आर्टिकल्स हमारे नाम आए थे, ऐसा है वैसा है। हालांकि उन्होंने पर्टिकुलर बीबी 13 के दौरान एक कंटेस्टेंट के लिए बोला था जो उनकी कट्टर दुश्मन रही थी उस समय, तब सिद्धार्थ ने चुप्पी तोड़ी थी। और उससे पहले उनके लिए बहुत सारे ऐसे फेक आर्टिकल्स, फेक वीडियोस, इंटरव्यूज़ लोगों के होते थे, सिद्धार्थ ऐसा है वैसा है कैसा है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। लेकिन जब वो बीबी 13 में आए तो उनकी रियलिटी लोगों को समझ में आई कि हाँ, ये बंदा ऐसा है। तो इस तरीके से इस इंडस्ट्री में लोगों की जलन भावने के चक्कर में लोग एक दूसरे को दिखाने, डाउन करने के लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं। बस चाहिए कि फैंस को इकट्ठे रहना है, जब तक आँखों से सही से देखो ना, बिलीव मत करें किसी भी चीज़ पर, क्योंकि अब क्या है, शहनाज को हर छोटी छोटी चीज़ पे जज किया जा रहा है, तो वो आप सभी को बैलेंस करके रखना है गाइस।